स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, टुडे इज मंडे एंड द डेट इज 6 जुलाई 2020। ठीक है, टुडे वी विल डू अनदर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं तो आप इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ? तो आपको डिफरेंस बताना है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक, ऐसे कॉलम बना के आप इनहेलेशन में इनहेलेशन लिखेंगे और एक्सहेलेशन में एक्सहेलेशन लिखेंगे। ठीक है, जैसे इनहेलेशन का पहला क्या है कि शीट ऑफ मसल्स मूव डाउनवर्ड। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो मसल्स होते हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, और आपकी जो रिब्स है, जैसे आप सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो आपकी जो रिब है, जो आपकी पसलियां हैं, वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, फिर है वॉल्यूम और चेस्ट कैविटी इंक्रीज। आपका जो सीना है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि आप सांस ले रहे होते हैं। फिर एयर प्रेशर जो लंग्स के अंदर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा वो हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो आपके जिस्म के अंदर जाती है। ठीक है, ये इनहेलेशन हो गया। और एक्सहेलेशन क्या है कि शीट्स ऑफ मसल्स मूव अपवर्ड। यहाँ पे मसल्स अपवर्ड मूव करते हैं। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपका जो रिब्स है वो नीचे की तरफ हो जाता है इनवर्स। जब आप देखें सांस आप बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, आपका जो सीना होता है और आपका जो चेस्ट होता है वो अंदर की तरफ हो जाता है, रिब्स आपकी अंदर की तरफ हो जाती हैं। फिर है एयर प्रेशर ऑन लंग इंक्रीज। इनहेलेशन में लंग्स में प्रेशर जो था वो रिड्यूस होता है और एक्सहेलेशन में जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट, और हमारे जिस्म के अंदर जो हवा, जिस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आज का काम क्लास 7 आपका ये, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। थैंक यू।